एमएसएस जल आपूर्ति 2004 में स्थापित की गई थी। हम या दूसरे निर्माण कंपनियों के लिए शुद्ध पानी उपलब्ध कराते हैं, जैसे कि कार्यालय, अस्पताल, बंदरगाह, होटल, सरकारी आपूर्ति आदि। हमारी सेवाएं 24/7 उपलब्ध रहती हैं। हमारी कंपनी ISO 901:2015 और ISO 1401:2015 प्रमाणिक कंपनी है। Back pain, migraine, diabetes, blood pressure, discharge, arthritis, joint pain, hair loss, skin problem, spine problem का प्राकृतिक और रासायनिक मुक्त इलाज और पाए अपने बीमारियों की जानकारी एक्सपीरियंस डॉक्टर से जो 13 साल से आयुर्वेदा और रिसर्च में अपनी सेवा दे रहे हैं, तो किस बात की है देरी। हम आए और अपने बीमारियों का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले और उन्हें जड़ से खत्म करें। डॉक्टर लतीफ आयुर्वेदा हॉस्पिटल, यूनिट ऑफ आयुर्वेदा एंड पंचकर्मा, लंबा लाइन या VKV स्कूल, Monday to Saturday for appointment, contact 9933-22553. नमस्कार, न्यूज साप्ताहिक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रोहित। इस वक्त हमें कांग्रेस भवन के यहाँ पर और अंडमान निकोबार टेरिटोरियल कांग्रेस के प्रेसिडेंट मिस्टर रंगालाल जी इस वक्त हमारे साथ हैं और आइए अब हम इनसे बात करेंगे। जैसा आप सभी को पता होगा, अंडमान में अभी जो बर्निंग इश्यूज है 100% जॉब रिजर्वेशन, इसी मुद्दे को लेकर हम सर से बात करेंगे और इस विषय को लेकर इनका क्या कहना है, आइए हम इनसे जानते हैं। अब तक के सभी दर्शक बिंद को इस चैनल का माध्यम से हम प्रणाम करते हैं। आज कांग्रेस पार्टी के ऑफिस में अब तक के रिपोर्टर्स यहाँ पे पहुँचे हैं। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमने पहले दिन सोशल मीडिया में एक खबर दिया था, एक न्यूज़ डाला था, जिनमें 25 तारीख को पूरा एक दिवसीय टोकन धरना तिरंगा पार्क में आयोजित होगा, ये खबर दिया था। लेकिन आप सबको मालूम होगा कि G20 का मीटिंग अब अंडमान निकोबार में हो रहा है, जिसके फलस्वरूप हमने इस डेट को आगे बढ़ाया और इस महीना का 29 नवंबर जो है हमारा एक दिवसीय जो हमारा टोकन धरना कांग्रेस पार्टी की ओर से हमारे तिरंगा पार्क में आयोजन किया जाएगा। हमारा ये धरना सिर्फ और सिर्फ हमारे इस द्वीपवासियों के बच्चों के लिए है, हमारे नौजुबा साथियों के लिए है, हमारे इस द्वीप के हम जिसको कहते हैं फ्यूचर जनरेशन, उनके लिए है। आपने देखा कि पिछले 20 तारीख को, इस महीना का 20 तारीख को जो एग्जामिनेशन हुआ, जो नौकरी के लिए स्टाफ सिलेक्शन कमिश्नर का द्वारा जो ये हमारे बच्चे एग्ज़ाम में बैठे, उसमें एप्लीकेशन कितना था, 39,000 और पोस्ट था 565। आप कभी कांग्रेस के समय में ऐसा परिस्थिति आप कभी ना सुना, कभी ना देखा। आज 8 साल के अंदर में इतना भारी बेरोजगारी यूथ जो है अंडमान निकोबार में पैदा हुआ है, क्योंकि कि बीजेपी कोई नौकरी ही नहीं दे रहा है, जिसके लिए आज इतने सारे बेरोजगार एक साथ में तादाद होकर जो है एग्जामिनेशन में
भाग लिए हैं। हम दुखी हैं कि हमने सुना बाहरी बच्चा जो है 39,000 के अंदर में 9,000 बाहरी बच्चा जो है इस द्वीप में इस एग्जामिनेशन में बैठे हैं। हम एडमिनिस्ट्रेशन से पहले भी अपील किया है और आज भी अपील करता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन ये हमारे बात को सुने कि हमारा एक ही संघर्ष है, एक ही लड़ाई है। 100% जॉब रिजर्वेशन फॉर आइलैंडर्स। हम ये चाहते हैं हमारे द्वीप के बच्चा को सारे जो है नौकरी मिले, चाहे कोई भी हो, कोई भी कम्युनिटी का हो, कोई भी लैंग्वेज का हो, कोई भी धर्म का हो। जो भी बच्चा इस अंडमान निकोबार आइलैंड में पैदा हुआ वो बच्चा को ये हक मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे अंडमान के बच्चे मेनलैंड में कोई भी जॉब नहीं मिलता है। कोई भी जॉब में अगर एप्लीकेशन वो करने चाहता है तो उसको पूछा जाता है कि आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके आइए। इसलिए हमारे बच्चे मेनलैंड के नौकरी से जो है वंचित हैं। हमारा कहना है यही है, छोटे एक द्वीप है, यहाँ में प्राइवेट सेक्टर है नहीं, ना के बराबर है। अगर हमारे बच्चों का ये गवर्नमेंट जॉब अगर बाहरी बच्चा ले जाएगा तो हमारा फ्यूचर क्या होगा, हमारे बच्चों का जो है आने वाला फ्यूचर क्या होगा। इसलिए हमें चाहते हैं कि हमारे बच्चों को ये हक पूरा पूरी 100% मिलना चाहिए। इसलिए हम संघर्ष हम करेंगे, जब तक हमारी ये मांग को एडमिनिस्ट्रेशन पूरा नहीं करेगा तब तक हम लोग छोड़ने वाला नहीं है। साथ ही साथ एक वीडियो आपने देखा सोशल मीडिया में कि बीजेपी पार्टी के नेता हमारे विशाल जोली साहब, उन्होंने कहता है आपको आगे आना होगा, आपको आगे संघर्ष करना पड़ेगा, सबसे बड़ा से बड़ा संघर्ष करना होगा। इसके लिए मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी पार्टी से, उच्च नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं, आप कैसे कह दिया? आपके पास अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन है, आपके पास लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है, आपके पास होम मिनिस्टर साहब है, आपके पास उपराष्ट्रपति जी है, आपके पास प्राइम मिनिस्टर साहब है, आपके पास राष्ट्रपति जी है। तो इतने सारे एक पियोन से लेके आपको राष्ट्रपति तक आपका है। आज ये परिस्थिति में अंडमान वासी को संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। और आपको क्या चाहिए, इससे बड़ा कोई पद हिंदुस्तान के अंदर में है जो आप काम कर सकता है? लेकिन आदमी को आप लोग बेकूब समझते हैं। हमारे अंडमान वासी बेकूब नहीं है, अंडमान वासी बेकूब नहीं है, आपका चालाकी समझते हैं। आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं सारा पब्लिक सेक्टर को बिक्री कर रहा है, अंडमान भी अछूत नहीं है। आज यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी आधा बिक्री हो चुका है, एसटीएस आधा बिक्री हो चुका है, और कितना गुमराह करेंगे आपके। अगर आप अगर चाहता है 5 मिनट का अंदर में आप ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। आपको वोट क्यों दें? मेरा जनता जनार्दन से पूरा अंडमान वासी से हमारा ये अपील है कि कभी आप बीजेपी को वोट मत दीजिए, और भी कोई सारा पार्टी है आप उसको दीजिए, किसी को भी दीजिए, लेकिन बीजेपी को कभी भी आप वोट मत करिए। क्यों? ये हमारा दिल दुखता है कि आज एक फोन से जो काम होना चाहिए था आज वो नहीं हो रहा है, आज वो नहीं हो रहा है। ये गुमराह करते हैं कि बड़े से बड़े संघर्ष में आना पड़ेगा, तो इसका मंशा क्या है? ये करने नहीं चाहता है। इनका प्राइम मिनिस्टर, इनका होम मिनिस्टर, यहाँ का जो नेता है, इनका बात सुनता नहीं है, और बीजेपी पार्टी ये करने नहीं चाहता है। क्योंकि धीरे धीरे और एक बार अगर बीजेपी सत्ता में आए तो जितना भी पब्लिक प्रॉपर्टी
पब्लिक प्रॉपर्टी है, जितने भी हमारा पब्लिक सेक्टर है, ये सारा जो है कोड़ी का दाम में जो है वो अपने साथियों को, पूंजीपतियों को वो सब बिक्री हो जाएगा, जिसके लिए अंडमान निकोबार में आज ये तहलका है। मैं अपील करता हूँ, कभी भी दोबारा अपील करता हूँ कि कभी भी जो समझते हैं हमारे द्वीपवासी, जो अपने पेट काटकर जो बच्चों लोगों को जो है भविष्य के लिए पढ़ाई कराया है, आप जो भी पढ़ाई कराया, टेंथ पास किया, ट्वेल्थ पास किया, ग्रेजुएट किया, मास्टर डिग्री किया, पीएचडी किया, जो भी किया है हमारे जो बुजुर्ग लोग ने जो बच्चों के लिए किया है, वो समझते हैं ये दर्द को, वो समझते हैं दर्द को। जो शिक्षित वर्ग हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ कभी भी बीजेपी को वोट ना करें, और मुहिम चलाए कभी भी जिंदगी में आपको बीजेपी को कभी साथ ना दें। और जो भी कार्यकर्ता बीजेपी का जो गांव में मोहल्ला में जो भी ये कहता है बीजेपी पार्टी, उसको गांव से बहिष्कार करे, मेरा ये अपील है। क्योंकि हमारा आज लड़ाई है, हमारा फ्यूचर जनरेशन से लड़ाई है, हमारा अंडमान से लड़ाई है, हमारा अंडमान वासी का फ्यूचर से। क्योंकि आज अगर हमारा मेनलैंड के हमारे बच्चे लोग अगर सारा नौकरी लेके जाएगा, तो हमारा बच्चा का भविष्य क्या होगा? हम यहाँ में अगर रहते हैं एक साथ में, हम रहना और नहीं रहना हमारा सब बेकार हो जाएगा। यही हम आज का ये अपील है। इसलिए आने वाले 29 तारीख जो संघर्ष करने जा रहा है कांग्रेस पार्टी, मैं उस संघर्ष से आह्वान करता हूँ। ये भी कहा बीजेपी का नेता कि चलिए सब मिलके हम संघर्ष करें। मैं कहता हूँ उन बीजेपी नेताओं से, चलिए 29 तारीख को आइए हमारे पास में, 29 नवंबर में आप आइए और हमारे साथ दीजिए, और हमारे जो तिरंगा पार्क में हमारे साथ बैठे, तो हम समझेंगे कि हाँ आप जो कहा है वो सही है। अगर नहीं कहे, नहीं आएगा और नहीं करेगा, तो हम लोग समझ जाएंगे कि आप जनता का आंखों में धूल झोंकता है। ये बात कितना तक सही है वो 29 तारीख को पता चलेगा। तो हम अपील करते हैं अंडमान निकोबार के युवाओं से, महिलाओं से, माताओं से, बहनों से, बुजुर्गों से, देखिए ये लड़ाई कांग्रेस का लड़ाई नहीं है। कांग्रेस इसलिए आपको प्यार करता है क्योंकि इस द्वीप को बनाया, सजाया, जो कुछ भी किया वो कांग्रेस किया, दूसरा कोई पार्टी नहीं किया है। इसलिए कांग्रेस को लगता है, कांग्रेस को दर्द होता है कि आज हो क्या रहा है अंडमान में। अंडमान धीरे धीरे ख़त्म की ओर जा रहा है। इसलिए आप सभी से हमारा निवेदन है, अगर हमारा बच्चों का फ्यूचर चाहिए, आने वाले फ्यूचर का अगर आप चिंतन करते हैं कि हाँ आने वाले फ्यूचर हमारा ये जिंदा रहें, तो आने वाले दिन 29 नवंबर में सारे लोग जो है बाहर निकल के हमारा ये प्रोटेस्ट, हमारा जो मुहिम, हमारा जो ये संघर्ष, इसमें आप साथ दें ताकि हम पूरा हो सके, हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल कर सके। यही हमारा विनम्र निवेदन है आप सभी से। नमस्कार। सर आपने तो बहुत ही अच्छी बात कही। तो जैसा आपने ये कहा कि उस दिन बीजेपी की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था, तो हम आपको ये बता दें उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे सांसद कुलदीप राय शर्मा जी का नाम भी लिया गया था, देन उनके साथ और भी कुछ देन बैंक का भी नाम लिया गया था। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी उसमें ये बात उठा था कुछ बैंक को लेकर, तो इसमें आपका क्या कहना है? आपने देखिए, आपने वो न्यूज़ देखा होगा तभी आप ये कह रहे हैं, क्योंकि हम आपको ये बता दें कि उस न्यूज़ में जो है कुलदीप राय शर्मा का जी का नाम भी लिया गया था, और ये भी कहा गया था कि उन्होंने हमारे द्वीप समूह के लिए क्या किया है, तो इसका भी आप अगर जवाब दे तो ठीक है। क्योंकि हम आपको ये बता दें कुलदीप राय शर्मा जी कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। पिछली बार इसी जगह पर इसी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो उसका भी उन्होंने सही तरीके से जवाब नहीं दिया था। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि देखिए सेंटर में बीजेपी की सरकार है, यहाँ पर तो कांग्रेस की सरकार है यहाँ पर, लेकिन वो कुछ मुद्दा उठाते नहीं है। इवन डीब्रेड के इशूज़ से लेके पावर कट्स, और अभी रिसेंटली जो रेप केस का जो एलिगेशन जो एक्स सी एस जितेंद्र नारायण
उनके ऊपर लगे। जब उसके बारे में भी उनसे सवाल पूछा गया था इसी कांग्रेस पार्टी पर, तो उन्होंने इसका भी सही जवाब नहीं दिया। इसके बारे में आपका क्या कहना है? आप उस समय तो आप पूछा नहीं हमारे एमपी साहब से। नहीं, हमारे एडिटर सर ने पूछे थे। मैं आपको वो कह रहा हूँ, मैं हमारे एडिटर सर ने ये सवाल उनसे पूछा था, लेकिन सही तरीके से उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो हम ये क्या समझे कि वो एडमिनिस्ट्रेशन के दबाव में काम कर रहे हैं? मैं तो ये नहीं कहूँ कि कोई एडमिनिस्ट्रेशन का दबाव में काम करे, क्योंकि कांग्रेस का हमारा एमपी है। देखिए, आप जो दिन वो दिन जो आपने वार्तालाप किया है वो बहुत एक हम समझता है कि तरीकापूर्ण नहीं है, क्योंकि एक काम पे आया था, दूसरा काम में लेके आप लोग का सवाल है पूछना, आप पूछिए, लेकिन उनको अलग से लेके आप लोग पूछिए। जितना भी बात है सारा चीज़ जो है उसको जवाब मिलेगा आपको। कई सारे मीडिया कर्मी थे वहाँ पर, तो सबका सवाल था सर, सिर्फ हमारा नहीं था। और आप लोग हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हम ये नहीं कहते कि आप हमारे भास्कर सर, आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन एकमात्र कुलदीप राय शर्मा जी जो हमारे एमपी है वो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। देखिए, जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना नहीं करना, वो पब्लिक का सामने आना, ये अपना व्यक्तिगत तो उसका अपना ये है। लेकिन अभी अभी क्या है, आप देखा होगा वो कुछ स्टेप नहीं उठा रहे हैं अपनी तरफ से। सर देखिए कि एक न्यूज मतलब एक न्यूज एक प्रिंट कराना, देन पब्लिक के सामने बोलना, दोनों में बहुत ही बड़ी बात है सर, दोनों में बहुत ही अलग बात है। देखिए, हम तो ये कह रहा हूँ आपसे, जो वो दिन का जो माहौल जो था, वो हम भी बैठे थे वहाँ पे, वो माहौल ऐसे उस तरह नहीं था। तो वहाँ पे जो पूछताछ किया गया उनसे, और वो भी जो भी वार्तालाप आप लोग ने किया है, आप वो समय पे आप लोग कोई अब ऐसा बात नहीं किया कि आपका जवाब से जो है संतुष्ट नहीं सर, है। हम आपको ये बता दें, हमने अपने दायरे में रहकर ही सवाल पूछा था, बट कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता है एमपी सर ने अपने दायरे से बाहर होकर बात किया था? देखिए, वो आपके सवालों को जवाब उन्होंने नहीं दिया या सही जवाब नहीं मिला, तो ये वो एमपी साहब ही कह सकते हैं। हम तो अब पत्रकार है तो बोले से आप लोग कह सकते हैं, लेकिन ये बात को तो हम नहीं कह सकते। जो भी जवाब दिया, जो भी सका है वो जवाब दिया है। अगर आपका मनोनीत नहीं हुआ तो वो हम क्या बोलेंगे, अब उनसे ही पूछ लीजिए सर। हम उनसे तो पूछने के लिए तैयार है, बट कभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं सर। नहीं, करते हैं, ऐसा नहीं है कि आप लोग वो दिन पकड़ा है क्या, वो दिन बताया बढ़िया से, वो सब जवाब देता था। आपको ये बता दें, वो दिन एक मीडिया कर्मी वहाँ पर नहीं थे, काफी सारे मीडिया वाले थे वहाँ पर, और सबने सवाल किया। देखिए, आप लोग सवाल करना तो आपका धर्म है भाई, और जवाब भी देना हमारा धर्म है। हम कहाँ तक हम कर सकते हैं, दे सकते हैं, वो हमारा एक लिमिट होता है, और एमपी साहब का तो उसका तो लिमिट है ही है। तो वहाँ तक वो आपको जवाब दिया है सर, लेकिन हमें तो ऐसा लगा कि उन्होंने प्रॉपर जवाब तो नहीं दिया, क्योंकि जैसा हम आपसे सवाल पूछते आप हमें फैक्ट बताते हैं, बट जब एमपी सर से सवाल पूछा गया था तो उन्होंने फैक्ट नहीं बताया। बाबा, फैक्ट नहीं बताया, वो फैक्ट के बारे में हमारा कुछ जानकारी नहीं है, आप उनसे लीजिए। जितेंद्र नारायण जी, जिनके ऊपर गैंग रेप का आरोप है, उसके ऊपर तो उन्होंने कुछ कहने को ही मतलब कोई तरह से उन्होंने अपना पक्ष ही नहीं रखा, मतलब कुछ जवाब ही नहीं दिया। जैसा आपने ये कहा कि आपने उस पार्टी में बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता है और बीजेपी पार्टी वालों को आपने आमंत्रण दिया कि 29 को जो तिरंगा पार्क में आप लोग 100% जॉब रिजर्वेशन को लेकर जो धरना करेंगे, उसमें आपने बीजेपी वालों को बुलाया, और ये भी बताया कि अगर वो लोग नहीं आए तो आप लोग क्या समझेंगे। लेकिन हम ये बता दें, दीपवासियों का ये पूछना है कि उस धरने में हमारे एकमात्र एमपी साहब कुलदीप राय शर्मा जी अगर नहीं आए तो उसमें पब्लिक क्या समझेगी, इसका जवाब आप हमें दीजिए। देखिए राहुल जी, ये तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का बात है, और रहा बात कांग्रेस पार्टी का है, हमारी तरफ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, बट सुनिए, पार्टी से तो बने हैं, और बस बात 100% सही है, हम उसको नौता जरूर देंगे, ठीक है। अगर उसका इन द मेन टाइम अगर कोई काम होगा, कोई पार्लियामेंट में अगर कुछ ये रहेगा,
उनका भी तो बड़ा ओहदा में है भाई, उसमें अगर कोई जगह में ये रहेगा। सर, इसी तरह अगर हम ये पूछ ले, अगर बीजेपी वाले नहीं आए तो फिर जैसा आपने कह दिया कि आप मतलब आप ये समझ लेंगे कि बीजेपी वाले मतलब गुमराह कर रहे हैं, तो एमपी सर नहीं आए तो हम क्या समझेंगे? नहीं, आप कैसे समझे? कांग्रेस पार्टी रास्ते में है, कांग्रेस पार्टी धरना कर रहा है, वो क्या अलग है क्या? सर आप लोग कर रहे हैं, बट हमारे सांसद क्यों नहीं कर रहे हैं? सर नहीं, देखिए अभी 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 आप लोग जो है ना, इसमें आप लोग ये बह गया भाई, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता रास्ते पे है, तब उसमें एमपी नहीं आया, कोई जिला नहीं आया, कोई काउंसिलर नहीं आया, हो सकता उसका अपना काम है, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता तो वो दिन रहेगा ना। तो देखिए, हम आपको ये बताते, जैसा हमने सर से जो भी सवाल पूछा था और सर ने उनका जवाब दिया, तो हम आशा करते हैं आप हमें कमेंट कर बताएं। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।